हाय गाइस, वेलकम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 के लिए कुछ फास्ट चार्जिंग टिप्स के बारे में, क्योंकि आजकल सर्दियों के मौसम चल रहे हैं तो हर किसी आईफोन यूजर को एक इशू देखने को मिल रहा होगा कि उनका जो डिवाइस है वो काफ़ी स्लो तरीके से चार्ज हो रहा है। तो ये जो चार्जिंग का इशू है स्लो, वो आप कैसे फिक्स कर सकते हो, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके साथ आप इजीली अपने डिवाइस को बहुत ही परफेक्टली फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, सो मेक श्योर कि आप कंप्लीट वॉच करें ताकि आपके आईफोन्स में आपको ये इशू देखने को ना मिले। सो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं गाइज आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको इस इशू को फिक्स करने के लिए आईफोन्स की बैटरी या एप्पल के और भी कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो ऑप्टिमम मिनिमल टेम्परेचर है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए अपने आईफोन्स के लिए, एप्पल के और भी कई प्रोडक्ट्स के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आईफोन्स, आईपैड और आईपॉड और एप्पल वॉचेज आते हैं, वो जो बेस्ट परफॉर्म करती हैं उसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर है 0 to 35 degrees Celsius। अगर आप फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका आईफोन का जो टेम्परेचर है, मान लो कि रात को आपने अपने डिवाइस को पड़ा रखा है बिना वाईफाई को यूज़ करे लॉक स्क्रीन मोड में, उसके बाद आपको सुबह जब आपने देखा तो उसकी जो बैटरी ड्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ये जो बैटरी ड्रेन का इशू है टेम्परेचर के कारण होता है। अगर आपके डिवाइस को बढ़िया ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा आपकी बैटरी को, तो उस कंडीशन के ऊपर आपकी बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा होती है आजकल के दिनों में। इसलिए आपको अपने डिवाइस को रात के टाइम में कुछ ऐसे क्लॉथ में लपेट कर रखना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो, जिसमें आपका जो डिवाइस है वो थोड़ा सा गर्म रहे और उसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल सके, जिसके साथ जब आप सुबह उठोगे तो आपको उतनी परसेंटेज ही देखने को मिलेगी। एक जो प्लस पॉइंट ये रहेगा आप सभी के लिए कि आपको अपने डिवाइस को रात के टाइम पे 2-3 या 5% यहाँ पर अलग से चार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ताज़ा चार्ज होता है अपने आईफोन्स में वो आपके आईफोन को मेंटेन करके रखता है उसकी बैटरी हेल्थ को, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको इफेक्ट देखने को मिलता है अपने आईफोन के ऊपर। इसीलिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। तो उसके बाद बात आती है यहाँ पर अपने आईफोन की जो बैटरी है उसको कैसे चार्ज किया गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है अगर आपने इतना महंगा आईफोन बाय करा है तो आपके पास ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल केबल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ओरिजिनल केबल्स होती हैं उनकी आप कैसे पहचान कर सकते हो, अगर आपके पास फेक केबल्स हैं तो आपको यहाँ पर जो डॉट्स होते हैं केबल में वो आपको वाइट कलर के देखने को मिलेंगे, यानी कि सिल्वर कलर में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अगर आपकी वायर में ये जो डॉट्स हैं वो येलो में या डार्क येलो में होंगे तो वो जो केबल रहने वाली है वो ओरिजिनल रहने वाली है, और हर एक एप्पल की जो ओरिजिनल केबल होती है उसमें ऊपर एप्पल की ब्रांडिंग भी रहती है, तो आप उसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हो इन सभी टिप्स को, जिसके साथ आपको एक ओरिजिनल केबल की पहचान हो सकती है। अगर आप खुद से ओरिजिनल केबल्स को यूज़ नहीं करते हो तो आपकी जो बैटरी लाइफ है आईफोन की वो बहुत ही जल्दी गिरने लगेगी, स्पेशली यहाँ पर सर्दियों में, क्योंकि पड़े पड़े आपका डिवाइस बैटरी को लूज़ करता रहता है अगर उसको सही टेम्परेचर ना मिले। और आपको ध्यान में रखना है ओरिजिनल चार्जर्स को ही यूज़ करना है अपने आईफोन को चार्ज करने के टाइम, क्योंकि अगर आप इन फेक केबल्स चार्जर्स को यूज़ करोगे तो आपको बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके साथ आप अपने आईफोन को फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हो, बस आपको टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चार्ज करने से पहले आपको सुबह उठकर जब आप अपने आईफोन को थोड़ी देर यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद ही इसको चार्जिंग के ऊपर सेट करना चाहिए, उसके बाद आपको सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, और 20 वॉट का फास्ट चार्जर यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसलिए आपको यहाँ पर 20 वॉट का फास्ट चार्जर भी यूज़ करना है अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए अपने आईफोन के ऊपर iOS 17 के इस नए अपडेट में विंटर्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो होते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।